कांग्रेस की एक ही नीति थी, पहले किसानों को संकट में पड़ने दो और फिर कर्ज माफी के नाम पर झूठ बोलकर वोट की फसल काटो, ये उनका तरीका रहता था। आपने 10 साल में कांग्रेस ने कुछ हजार करोड़ रुपए की कर्ज माफी का ऐलान किया, लेकिन असली किसानों ने को ये लाभ कभी पहुंचा ही नहीं। आप जाकर के देख लेना, इतनी सारी कभी कभी तो 10 दिन में करेंगे, 100 दिन में करेंगे, कभी नहीं किया, क्योंकि ज्यादातर जो छोटे किसान होते हैं उनका तो बैंक में खाता भी नहीं होता है और वो तो साहूकार के पास से और लोगों से पैसे लेकर के अपनी बेचारे की गाड़ी चलाते हैं और इसलिए ये कर्ज माफी के नाम पर राजनीति करते थे, देते नहीं थे और छोटे किसान को तो नसीब ही नहीं होता था। लेकिन भाजपा सरकार आज पीएम किसान सम्मान निधि से सीधा पैसा किसान के बैंक खाते में भेज रही है, इससे छोटे से छोटा किसान भी लाभान्वित हो रहा है। अभी तक इसके तहत आपको आंकड़ा याद रखना चाहिए, 2.25 लाख करोड़ रुपए, कितने 2.25 लाख करोड़ रुपए